गौरीगंज सीट से राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की ओर से अक्षय प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने अक्षय प्रताप से भी खास बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था वो भी सुनिए। तब इसके चुनाव प्रमेय हैं और तमाम राजनीतिक दल के लोग प्रत्याशी खड़ा किए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजा भैया के, जो जिनके संबोधन में तमाम लोग आपको अर्जुन कह रहे थे कि असली लड़ाई तो आप ही लड़ रहे हैं, अक्षय प्रताप गोपाल जी, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कितना मुश्किल है, और चूंकि आपने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है तो जनता का समर्थन क्या उतना ही मिल पा रहा है? देखिए, हम लोग हमेशा उस क्षेत्र में रहते हैं और हमेशा 5 साल चुनाव लड़ते हैं, इसलिए कहीं युद्ध नहीं दिखता है ना, और सेवा नीति पे हम लोग चलते हैं, और दलों के अब खाली विकास की घोषणाएं करके, विकास तो जो विधायकों का हो गई, लेकिन हम लोग 5 साल उपस्थित रहेंगे और सेवा करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है इस चुनाव में क्या मुद्दे, सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे तमाम जगहों पर सड़कें नहीं बनी हैं, काफ़ी स्थिति खराब है सड़कों की, बहुत सारे मामले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी चाहता है कि उसके विपरीत परिस्थितियों में जो समर्थक जुड़ता है वो चाहता है कि विपरीत परिस्थितियों में उसका विधायक उसके बगल खड़ा हो। अच्छा सर, आपको लग पा रहा है जो बड़ी बड़ी पार्टियां जिस तरह से चुनाव के मुद्दे बनाती हैं, कह रहे साहब कृषि कानून एक इफेक्ट करेगा, इकोनॉमी का बूम इफेक्ट करेगा, कोरोना का मार भी इस चुनाव में प्रभावी रहेगा? वो तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो व्यवस्था जैसे जानवरों की से दिक्कत लोगों को है, वह हमारी पार्टी ने कहा कि जब अगर हमारी सरकार बनती है या हम सरकार में अहम भूमिका में होते हैं तो हम चाहेंगे जो है जैसे 5 साल के लिए किसानों को ऋण दिया जाए। आज कृषि यंत्रों की कितनी कीमत बढ़ गई है, हमारे दल की घोषणा पत्र आप देखिए, उसमें हम लोगों ने कहा कि GST नहीं होनी चाहिए, जैसे उत्पादन पर ही आपने GST लगा दिया और आपने कहा GST नहीं लगा रहे हैं, तो इससे कि आज जो ट्रैक्टर 2.5 लाख का था छोटा ट्रैक्टर, वो आज 4 लाख का हो गया है, 4.5 लाख का। जो कृषि यंत्र हैं जैसे ट्रॉली है, कल्टीवेटर है, जो दाम बढ़ रहे हैं, हमारे दल ने तो घोषणा किया कि हमारी सरकार बनती तो हम इसको हटाएंगे। गोपाल, आपको इस बार सबसे चैलेंज, सबसे बड़ा चुनौती क्या लगी चुनाव में? देखिए, हम लोग चैलेंज कुछ नहीं लग रहा है और हर चैलेंज को हमेशा स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे गोपाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है इनके लिए कोई चैलेंज नहीं है, अगर कोई चैलेंज होता है तो हमेशा इन्होंने चैलेंज और चुनौतियों को स्वीकार किया है। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनता TV, गौरीगंज। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।